सर हम वसूली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? वो भोटिया के नाम से हम जाने जाते हैं, तो उनके नाम पे यहाँ पे कुत्ते ना बेचे हम बोल सकते हैं हम बोलो मत है नस्ल वही है 22,000 जो है इनकी माँ जो है मंगोलियन ब्रीड है कुत्तों की इतनी औकात नहीं है जर्मन शेपर्ड है दादी जर्मन शेपर्ड है मिक्स ब्रीड में है मतलब मिक्स ब्रीड है पकड़े जाने पर 10,000 रुपया जुर्माना या कारावास हो सकता है तो सुप्रभात दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे से हैं तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:15 और जैसे कि आप देख सकते हैं मेन हाईवे पे हम लोग पहुंच चुके हैं आज जाने वाले हैं फिर से बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में आज हम लोग जाने वाले हैं स्पेशली कुत्तों के मार्केट में तो वहाँ पे अलग अलग नस्ल के कुत्ते भी आते हैं तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको माउंटेन डॉग्स तो ऐसे कुत्ते होते हैं जो चीते के साथ बाघ के साथ गुलदार के साथ भी फाइट करते हैं उनकी उनकी जो बॉडी होती है ना बहुत बड़ी होती है और मुंह आपने देखा होगा कितना बड़ा होता खतरनाक दिखते हैं क्योंकि तो कुमाऊं में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं मतलब उत्तराखंड में ज़्यादातर ये कुत्ते पाए जाते हैं बाहर बहुत कम पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे उत्तराखंड में वो है एक तो मुंशियारी है मुंशियारी के अलावा है धानपुर जहाँ पे ये कुत्ते पाए जाते हैं तो करते हैं फिर दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ एक नए दिन की नए तरीके से करते हैं शुरुआत हो जाइए शुरू बागेश्वर में पहुंचते ही हमें थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने सोचा छोले समोसे खा लेते हैं तो छोले समोसे हमने मंगा लिए हैं तो दोस्तों तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वहां पे जहां पे मुझे पहुंचना था जिस मार्केट में मुझे पहुंचना था मतलब कुत्तों का जो मार्केट है वहां पे मैं पहुंच चुका हूं तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कुत्तों का प्राइस किस किस नस्ल के कुत्ते यहां पे हैं ज़्यादा बड़ी मार्केट तो दिख नहीं रही है लेकिन कुछ हैं कुत्ते तो हम लोग चलते हैं टाइम जो है अभी 12:30 हो चुके हैं क्योंकि हम इससे पहले मार्केट में घूमने में थे तो थोड़ा टाइम लग गया ठीक आप कहाँ से वैसे ये इधर सरमूल से कहाँ से सरमूल सर से धारा अच्छा तो ये नस्ल कौन सी है कुत्ते की ये बकरी वाली हाँ जो भेड़ों के साथ चलती भेड़ों के साथ चलती जी जी इसको क्या बोल सकते हैं हम बोलो मत है नस्ल वही है वही है अभी क्यों बोलना क्यों नहीं हुआ अरे ये बैनर क्या लगा है वो बोल नहीं सकते ना हम इसकी प्राइस कितनी है इतने की प्राइस 22,000 कितने कुत्ते लाए हैं आप एक ही सिंगल एक लाए हैं हाँ पिछले साल भी आए थे आप ना ना इसी साल तो आज लेट में आए हम सुबह भी आए थे ना अभी 10 बजे मैं कमरे में थे अच्छा कितने बजे तक रहेंगे यहाँ पे मैं रहूँगा बस एक आध घंटा रहूँगा बाकी में अभी बिके हुए से कोई कुत्ते नहीं अच्छा इसकी एज कितनी होगी 45 दिन पैंतालीस अच्छा अच्छा तो नज़दीक से दिखाइए इसका चेहरा दिखा सकते हो ना ये है 22,000 का कुत्ता 22,000 तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आइए आप अच्छा ये नस्ल कौन सी है ये नस्ल सर अपना हिमालयन डॉग हाँ इनको हम ये बोल सकते हैं ना नहीं ये हिमालयन डॉग है हिमालयन डॉग हाँ इनको हिमालयन ही बोला जाता है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जो रहते हैं हाँ और ये भेड़ बकरियों के ग्वाला भी रहते हैं हाँ भेड़ बकरियों सेफ्टी के लिए ना सेफ्टी के लिए एक चीता उनसे भिड़ जाते होंगे जी जी उनसे भी भिड़ते हैं ये अपना जो है कि अगर ये दो उनका ग्रुप है तो बाघ से भी लड़ सकते हैं अकेले इनके सेफ्टी के लिए गले में इनका फटा लगाना पड़ता है तो जब बड़े हो जाते हैं तो ये दो अगर रात भर आप खुले छोड़ रखे तो बाघ का भी भाई नहीं आप बाघ से हाँ गले में इनका कांटे वाला फट्टा चाहिए जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है इनको आप खुले छोड़ दीजिए इनको और ये ज़्यादा अग्रेसिव मूड के भी नहीं होते हैं अच्छा। कि एकदम आपको अटैक कर देंगे ऐसा भी नहीं होता है अलर्ट करेंगे पहले अलर्ट करने के बावजूद अगर आप नहीं रुके या किसी को आपने ओनर को वो नहीं किया आवाज़ नहीं दी तब जाके अटैक करेंगे इनका साइज कितना बड़ा होता है ये साइज सर करीब 3 फुट से 4 फुट तक आते हैं हाँ बड़े हाँ तीन अभी तो ये 2 महीने का बच्चा है हाँ ये अभी 1.5 साल तक इसका ग्रोथ करता है 1.5 साल में ग्रोथ करने के बाद ये करीब आपका ये ढाई फुट का हो जाएगा ये हाँ जितना बढ़ता जाएगा इसकी उम्र 18 ईयर तक 20 ईयर तक होती है 18 से 20 साल तक जीतता है बच्चा अभी मार्केट आप मतलब कब तक बेचेंगे इनको अभी कितने दिन ये उतरायनी तक ये जी दो चार दिन के उसके बाद में फिर चले जाएंगे फिर जो बिकने हैं बिक जाएंगे और जो नहीं तो फिर घर में इधर उधर पहले 5 थे मेरे पास 2 घर से ही बिक गए मेरे अच्छा। और 3 फिर मैं यहाँ लेके आया हूँ तो इनका रेट कितना है अभी इनका रेट 5,000 रुपया सर 5,000 जी
नस्ल हिमालयी है, हिमालयन डॉग। वैसे कहाँ से आप? मैं तब यही बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, या तो दानपुर से आते हैं या तो मुंशियारी से आते हैं। जी 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 जी, मैं यहीं का ही हूँ लोकल। मेरे पास जो इनकी माँ है वो मैं कमीर देवी से लेके आया था, डॉग बीटर से। अच्छा। मिस्टर विवेक डॉग बीटर है वहाँ पे, उनसे लेके आया था मैं। अच्छा। वो जो है इनकी माँ जो है मंगोलियन ब्रीड है। मंगोलियन ब्रीड? हाँ। अच्छा। ये मंगोलियन से हुए, मंगोलियन ब्रीड ही बोल सकते हैं। हाँ। तो पिछले साल भी आपने लगाया हुआ है? नहीं नहीं, ये फर्स्ट ईयर है। आपका शुभ नाम? हरीश कांडपाल। बच्चे, वो बच्चे छोटे से बच्चे दादी हो लो, तो तुम के हो कांड हो दादी? ये तुम दादी हो काटी हो? सर मेरा नाम गणेश वर्मा, हम सब मुंशियारी से। मुंशियारी से आए? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये ब्रीड कौन सी है? सर हमारे पास ये बकरियों के साथ की ब्रीड है सर। अच्छे, एज कितनी है इसकी भी है? अभी छोटी से है सर, ये एक महीने दो चार दिन के ऐसे। एक महीने के? हाँ जी। तो कितने लाए हैं आप? दो? बहुत सारे लाए थे सर, निकल चुके हैं। निकल चुके हैं? हाँ जी। क्या कॉस्ट है इनकी? ये सर ये तो हल्के कॉस्ट के साथ 6000 के। 6000 का? हाँ जी। एक 6000 का, वो भी 6000 का? हाँ जी सर। नर मादा है वो। अभी कब तक रुकेंगे आप यहाँ पे? सर आज, आज ही आज रहेंगे। आज? हाँ जी। कल से नहीं आओगे आप? कल से हमारे पास डॉग ही नहीं है। डॉग नहीं है? आज अगर बिक गए तो फिर हम चले जाओगे? हाँ जी सर। नहीं बिके तो यही रहोगे फिलहाल? जी सर। हमारे बकरियों का जो वॉचमैन बोले या फिर चौकीदारी बोले तो ये डॉग्स ही रहते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, उनकी खासियत इतनी अच्छी होती है कि ये मतलब बकरियों के पास बाघ वगैरह कोई भालू जानवर, जंगली जानवर वगैरह कोई नहीं पहुँच, भिड़ जाते हैं। हमारी बकरी सुरक्षित इन्हीं से रहती है। तो आप मतलब पिछले साल भी आए होंगे? पिछले साल नहीं सर, आए थे सर, हम इस साल फर्स्ट टाइम में आए हैं। फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी सर। हमें पता नहीं था यहाँ पे मतलब कुत्तों की इतनी औकात नहीं है। हमारे यहाँ के कुत्ते सर जो जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचते हैं उस हिसाब से वहाँ पे इसे हमारे डॉग्स चले जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा? ले रहे हैं लोग? ले रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को भ्रमित कर दिया गया है, भ्रमित कर दिया गया है ना। अच्छा। तो यहाँ पे से लेने से पहले बहुत कतराते हैं। वहाँ पे हमारे जो 7000 बोलते हैं वही 14000 में कुत्ता हमारे वहाँ पे से चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो आँख बंद करके ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ ये यहाँ के प्योर है, उनको भरोसा होता है ना। जी सर। जी सर जी। यहाँ पे एक नाम से देखा जाए तो बहुत लोगों ने ठग भी दिया शायद। एक बात है, यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ समस्या चल रही थी, कोई समस्या आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस टाइप की सर? वसूली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? वसूली से रिलेटिव हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, झूठ बोलना बेकार है। हम लोग यहाँ पे 15 तारीख के शाम को पहुँचे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, आज हमें चौथा दिन हो रहा शुरू। अच्छा। हाँ जी सर, हमें ऐसा उससे लेके कोई रिलेटिव से नहीं, ये झूठी अफवाह है। अच्छा। ये झूठी अफवाह है, क्योंकि हम मुझे यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं, हमें ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा। हम खाली झूठ क्यों बोले? पब्लिक को खाली गुमराह नहीं करना चाहिए, दूर दूर तक हमारी पब्लिक सुन भी रही हो तो, लेकिन ये गलत बात है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं बोला गया तो ऐसा हम क्यों बोलेगा कि हम जबरदस्ती के हमें लूटा गया या फिर या भी झूठ बोला गया ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस इतना हम बोलना चाहते हैं अपने पब्लिक से कि जिस हिसाब से हम लोग मुंशियारी के हैं तो हमारी जो वेशभूषा है उस पर ना जाइए, और जो हमारे कल्चर है या फिर हमारा जो जिस नाम से हम जाने जाते हैं, भोटिया के नाम से हम जाने जाते हैं, तो उनके नाम पे यहाँ पे कुत्ते ना बेचे, हम इतना बोलेंगे, बस हो गया। और यहाँ ये देखिए माता जी आई है। नमस्कार आंटी जी, क्या हाल है आपके? क्या, कहाँ से आप? जूनी। जूनी? हाँ। गांव आए? अभी आई हूँ। मतलब जूनी गांव कहाँ आए? ये लोहार खेत सूपी लास्ट गाँव हुआ। कहाँ का? बागेश्वर का लास्ट गाँव? हाँ। अच्छा, बागेश्वर में ही हुए ना? हाँ, बागेश्वर में ही हुए। ये कौन सा है कुत्ता है फिर? ये जूनी भेड़ बकरी वाले है। अच्छा, भेड़ बकरी वो बचाने वाले ना? हाँ। अच्छा अच्छा, एक ही कुत्ता लेके आए? हाँ, अभी आए हूँ, एक ही है। अभी पहुँचे? हाँ, अभी पहुँचे। अच्छा, कल भी आए थे आप? नहीं, कल नहीं आए थे। अच्छा, कितने का है फिर ये? 5000 का। 5000 का? आपका शुभ नाम? मेरा पूर्ण नाम है सर। कहाँ से हुए आप? मैं ये सुमट्टी बैसानी। सुमट्टी बैसानी। कहाँ पड़ता है ये? नान कनाली कोट से ऊपर, हरसिला से ऊपर। अच्छा, हरसिला से ऊपर।
तो ये कौन सी नस्ल की नस्ल का है? ये नस्ल इसकी है जर्मन शेफर्ड है दादी। जर्मन शेफर्ड है, मिक्स ब्रीड में है, मतलब मिक्स ब्रीड है। अच्छा, तो उसका रेट कितना है वैसे भी, कॉस्ट? इसका कॉस्ट 17-18 हज़ार। मिक्स ब्रीड है, 17-18 हज़ार रेट है इसका। अभी इसकी उम्र कितनी होगी? अभी बच्चा ही है, वो 2 महीना क्रॉस हो रहा है, एक ही रखा था ना। अच्छा, अब उसके हिसाब से आप लाए हो इसको? जी सर। अभी कितना कितने बेच चुके हैं आप? मैं 2-3 किले बेचा हूँ। 2-3 बेच चुके हैं ना? हाँ, वो बकरी वाले थे। अच्छा, बकरी। हाँ, जो सेफ्टी के लिए होते हैं ना, बाघ से भी लड़ जाते हैं। और तो वैसे कुत्ते डरे, वो वाले खतरनाक होते हैं, ये वाले? वो भी खतरनाक नहीं, ये थोड़ा सा ये और तेज रहते हैं। और तेज रहते हैं। जर्मन शेफर्ड मिक्स हुआ ना? हाँ, मिक्स ब्रीड में हुआ। अच्छा, ये बहुत ही तेज रहते हैं, उछाल मारने में, ये करने में, मतलब मालिक जी वाले रहते हैं, ऊर्जा ज्यादा। हाँ, ऊर्जा ज्यादा, मालिक की वफादारी के लिए, मतलब जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अच्छा है, तो ये बात है दादी। अभी कितने दिन आप रहेंगे यहाँ पे? अभी देखो, फिर एक पीस ये है, अभी कहीं गाँव में और भी इधर उधर से लाते हैं व्यवसाय करने के लिए, मेला का उत्साह बढ़ाने के लिए, यहाँ पे बैठने का गुजारा। दो जिस हिसाब से बिकेंगे, रिस्पांस आएगा, वैसे लेके आते हो इसी हिसाब से। अभी शाम तक रहोगे फिर, जब तक बिक नहीं जाता? हाँ, रहूँगा सर। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? ना, कोई समस्या नहीं। आएंगे कुत्ते हैं मतलब? ठीक। तो यही है डॉग मार्केट या डॉगी मार्केट। अगर आपको डॉगी लेने हैं, कुत्ता आपको चाहिए, तो उत्तरायणी मेले से पहले अगर आप लेंगे तो आपको यहाँ पे ये मार्केट मिल जाएगी, यहाँ पे ये बेचने वाले लोग मिल जाएंगे। और उत्तरायणी मेला जो लगने वाला है 20 तारीख तक है, आज है 18 तारीख, कल 19, परसों 20, तो 20 तारीख तक ये लोग आपको मिल जाएंगे, ये लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं, सामने आप दिखाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी जाति के स्वान पशुओं को जाति सूचक शब्दों के नाम से बेचना प्रतिबंधित है, पकड़े जाने पर 10,000 रुपया जुर्माना या कारावास हो सकता है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि भुटिया एक जनजाति है, तो इस जनजाति के नाम से अगर कुत्ते बेचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं भुटिया जनजाति के लोगों को हट होगा, तो जाके ये बैनर यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, जो लोग बेच रहे थे वहाँ पे ना, तब लोग वो एकदम से जो ब्रांड है कुत्तों की बताने में कतरा रहे थे, सही से बताने में एकदम से, मतलब खुल के नहीं बता रहे थे कौन से ब्रांड का है, कौन सी नस्ल का कुत्ता है, कौन सी ब्रीड का कुत्ता है, डर रहे थे वो लोग, क्योंकि ये बाहर से लगाए हैं। अब यहाँ पे हम लोग दिखा चुके हैं, फिर डॉगी मार्केट, कुत्ता मार्केट यहाँ का काम हो चुका है, और इसके बाद शायद हम उत्तरायणी मेला आएंगे नहीं आएंगे इस साल कोई कंफर्म नहीं है, तो थोड़ी शॉपिंग करते हैं। कम चक्कर में निरोध में तहते कम गिनी ना ना हकीकत दुख में चाहे 10 दिन आ हुई रे ये नानो पांच गले भेजो वो गले में ठगू वही तो हुई कीमत लो। सही बात, 1 रुपया कम ना? ना 1 रुपया कम ना, आ जा तबे ले जाओ, खुश हो जाओ, चीजा गुड बोल 150 ये हुए टूपर। ये बात क्या सुनियो? कुर्ता धूप है, धूप ने अच्छा धूप बननी है। अच्छा अच्छा, ये धूप बनता है इससे? तमे घ्यू या तेल मिलोन बनो या मेओ दाल मिलोन बनो? टेकरी पात उ इज कहनियो आना बोल हम तिमूर को पात हो राइट सर। तो सामान हम लोग ले चुके हैं, ये देखिए, ये कुछ सामान, और हमने बोला हुआ है भी गाड़ी वाले को आता ही होगा, तो कोई पहचान वाला है ना, तो उसी उसमें हम लोग जा रहे हैं भी। और ये देखिए, और बैग में भी है कुछ सामान। ठीक कोई गोल क्यों होना, बेचने वाला है क्यों होना, तो बस दिक्कत हो रहा है। ये दो कौन है ये? पूछा तो आ देखा ना जरा, कौन है इतना बड़ा? के लिए घास काट के लाएगी इसमें, ये कौन सी घास लाएगी इसमें ना घास। आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, किस जाति का वो कुत्ता है, मतलब जो ब्रीड है उस ब्रीड को किसी जनजाति से अगर कोई बताता है तो वो उसके लिए जो है ना उस चीज को मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसको उस चीज को इलीगल बता दिया गया है।
तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए। और साथ में आप देख सकते हैं ये मफलर मैं लेके आया था, आज दो लेके आए हम लोग, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।